देखिए गाइस, लेपर्ड हमारी तरफ आ रहा है, देखिए। अभी मैं पनीर टिक्का बनने का इंतजार कर रहा हूँ, अभी चाचू उसे बना रहे हैं। घड़ घड़ की आवाज ही कर रहा है जानवर यहाँ सामने, देखो अभी आवाज आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम समोसे और जीरे का फन ले रहे हैं, और यहाँ पे पड़ा है अपना क्रिकेट का सामान, तो थोड़ी देर में हम क्रिकेट खेलेंगे। तो एरन ने चैन बंद कर ली टेंट की, एरन बहुत चौकस है, एरन को पता है कि खतरा है, तो चैन बंद कर लो टेंट की, तो सेफ्टी है। देखिए गाइस, अपनी पॉपकॉर्न रेडी हो चुकी है। अरे माचिस तो है, जल गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए कार कैंपिंग ब्लॉग में, और आज अपनी होने वाली है ग्रुप कैंपिंग, और ग्रुप कैंपिंग के साथ साथ किड कैंपिंग, क्योंकि मेरे साथ आए देखिए एरन। हेलो फ्रेंड्स। और एरन खा रहा है जलेबी समोसे। निकल चुके हैं कैंपिंग लोकेशन के लिए, देखिए रास्ते में अभी पहुंचने में लगभग आधा पौन घंटा लग जाएगा। आज की कैंपिंग बहुत ही मस्त होने वाली है और एडवेंचर से भरपूर होने वाली है, क्योंकि हम जा रहे हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पिछली बार लेपर्ड आया था, पांडे जी के साथ गए थे, उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। आज एरन ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, इसलिए एरन को लेकर आए हैं। तो चलिए अब सीधा। तो आज भी फ्रेंड्स हम बैट बॉल खेलने वाले हैं, तो हाँ। बैट बॉल का फन लीजिएगा। आज हम क्रिकेट खेलेंगे, एरन इसीलिए आया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो चलिए अब सीधा लोकेशन पे पहुंचते हैं और मिलते हैं आपसे लोकेशन पे। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और देखिए इधर खड़ी है अपनी कार, और यही वो लोकेशन है, यहीं पे अपनी कैंपिंग होगी। और देखिए एरन खा रहा है जलेबी। एरन कैसी लग रही बेटा जलेबी? अच्छी लग रही है। समोसा कहाँ है आपका? यहाँ पे लगता है, मैं बाद में खाऊंगा। तो एरन आज पूरा फन करेगा कैंपिंग में, क्यों एरन? हाँ। एंजॉय करने के लिए आया है। तो फ्रेंड्स अभी हम खा रहे हैं समोसा और पी रहे हैं जीरा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम समोसे और जीरे का फन ले रहे हैं, और यहाँ पे पड़ा है अपना क्रिकेट का सामान, तो थोड़ी देर में हम क्रिकेट खेलेंगे। तो अभी गर्मी हो रही है इसलिए हम नहीं खेल रहे हैं, तो हम थोड़ी देर में खेलेंगे। जीरा समोसा खा लिया है, और देखिए एरन ने भी जीरा पी लिया है और समोसा खा लिया है, और एरन की देखिए क्रिकेट की किट इधर रखी है, और आज जो है ना एरन लेके आया है नया बैट, घर से लेके आए हैं नया बैट, और आज इससे एरन क्रिकेट खेलेगा। हाँ बताओ। यहाँ पे ग्रिप चढ़ी, वो ग्रिप एरन ने गाड़ी में बैठे बैठे ना वो फाड़ दी, अब दूसरी चढ़वानी पड़ेगी, इसलिए फाड़ दी क्योंकि वो बहुत फट रही थी, तो मैंने सोचा फाड़ दूँ, उससे क्या खेला जाएगा। ऐसा नहीं है, एरन को हाथ में वो है शांति नहीं है, ये बैठे बैठे कुछ ना कुछ कारस्तानी करता रहता है, इसलिए इसने इसकी ग्रिप ही फाड़ दी, जो रबड़ की ग्रिप थी इसके हत्ते पे। बस थोड़ा सा वेट करते हैं धूप कम होने का, उसके बाद अपना क्रिकेट खेलेंगे एरन के साथ। टाइम बहुत है, अभी शाम होने में 2-3 घंटे बाकी है, तो तब तक क्रिकेट खेलेंगे। और लोकेशन देखिए कितनी मस्त है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देखिए पूरा पेड़ ये देखिए, और इधर अपनी कार। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही एडवेंचर से भरपूर होने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर अपना क्रिकेट शुरू हो चुका है, एरन दूसरी बॉल करने वाला है, मैं खड़ा हूँ फील्डिंग पे, आराम से वाइट बॉल। एरन कैसा लग रहा है क्रिकेट खेल के इस लोकेशन पे आपके? अच्छा लग रहा है। लो बॉल लो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। चलो तो खेल लो। जब पकड़ गला। तो फ्रेंड्स काफ़ी देर हो गई हमें क्रिकेट खेलते खेलते, और अब मैं कर रहा हूँ फील्डिंग, और देखिए अब बैटिंग कर रहा है एरन सामने। लोकेशन बहुत लाजवाब है गाइस, ये इस लोकेशन पर कैंपिंग करने का मज़ा ही अलग है। चलो एरन बच गया। गाइस
गाइस एरन शॉट पे शॉट मार रहा है, ये देखिए करीबन 1.5 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए हाल देखिए, पसीना और थकान हो चुकी है क्योंकि जब से मैं ही फील्डिंग कर रहा था और बॉलिंग भी कर रहा था तो बॉल उठाते उठाते थक गया 1.5 घंटे से, क्योंकि बैटिंग मैंने आज की नहीं है। एरन और भैया बैटिंग कर रहे हैं, अब एरन की बारी है, एरन बॉलिंग कर रहा है। बस सनसेट भी देखिए थोड़ी देर में होने वाला है, ये देखिए सनसेट। और एरन कह रहा है और भी क्रिकेट खेलेंगे इसके बाद, फिर अपना आज डिनर में स्पेशल बनाने वाले हैं एरन की फरमाइश पे। बाकी एरन ने समोसा और जीरा तो पी लिया है। वीडियो बहुत ही एडवेंचर से भरपूर होने वाली है। गाइस क्रिकेट खेल के आ चुके हैं और अब नमकीन और जीरा दोबारा, पहले समोसे खाए थे और जलेबी, अब जीरे के साथ में है नमकीन। तो ये स्नैक्स को इन्जॉय करते हैं। सनसेट भी लगभग हो ही चुका है, उसके बाद अपना डिनर बनाएंगे। फिलहाल तो एरन को एक जीरा एरन ने पहले भी पी लिया था, लेकिन अब हम एरन को दे रहे हैं माजा। लो एरन माजा पियो, जीरा इधर दो और साथ में नमकीन इसे खाते हैं। बेटे फोन इधर रखो और ये पहले रोटी और ये नमकीन खाओ, ठीक है। भाई यही मजा है कैंपिंग का, घरों से बाहर निकलिए और नेचर में आइए। नेचर में आने का मजा ही अलग है, रिलैक्स फील होता है। जिंदगी अगर जीनी है तो घर से बाहर निकलो, ज़्यादा नहीं महीने में एक बार तो निकलो, तभी कुछ जिंदगी का मजा ले पाओगे। एरन का देख रहे हो, जीरा भी और माजा दोनों एक साथ चल रहे हैं, वाह। तो अब हो चुकी है शाम, तो अब अपना टेंट को पिच कर लेते हैं, क्या रंग चलो कराओ। तो फ्रेंड्स अपना टेंट पिच हो चुका है और मैंने और एरन ने साथ में मिलके पिच करा। एरन कैंपिंग में आके कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। गाइस को बोल लो आप भी कैंपिंग में आओ अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो गाइस आप भी कैंपिंग में आ सकते हैं, हां इंस्टाग्राम पे आप जाइए, मैसेज कीजिए, हमारे साथ कैंपिंग कर सकते हैं। और एरन आज क्या बनने वाला है रात को डिश में, डिनर में बताओ? पनीर टिक्का। आपका फेवरेट है? हां गाइस का ही फेवरेट है, सबका फेवरेट, हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट। कितना मजा आने वाला है? बहुत मजा आने वाला। लेकिन यहाँ डर किस चीज का है? रात का लेपर्ड का। लेपर्ड कोई नहीं, एरन के साथ हम आए हैं इसीलिए, अगर हमें खतरा लगेगा तो एरन को गाड़ी में बैठा देंगे। फिलहाल एरन की सेफ्टी सबसे पहले है, तो फिलहाल एरन आप आराम से बैठो, इतना मैं सेटअप जमाता हूँ सारा सामान का, ठीक है। टेंट और मैट मैट बिछा देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी चाचू मेरे टेंट में अभी मैट लगा रहे हैं, तब तक मैं इस पे चढ़ा रहा था, इसकी निकल गई थी और यहाँ पर हमारे पापा आके बैठ गए हैं। पापा कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा लग रहा है? डर तो ना लगने का तो आज? नहीं मुझे लगेगा डर। डर काहे का रहा है? एरन को डर नहीं लगने देंगे। अंधेरा हो चुका है, अपना डिनर का सेटअप जमा लिया है, इधर अपना बारबेक्यू है और एरन को काट रहे हैं मच्छर। एरन मच्छर काट रहे बेटा आपको? बहुत ज्यादा पैर पे। तो शूज पहन नहीं रखे? अरे पहन तो रखे पैर के। और डिनर स्टार्ट करने से पहले बनाना एरन की फरमाइश है पॉपकॉर्न खाने की, है एरन? ये रही, अभी एरन के लिए मैं पॉपकॉर्न बनाता हूँ और वेजिटेबल काटूंगा। मच्छर का तो, मच्छर तो बेटा यहाँ आएंगे आएंगे। मैं तो पहले गया था तेरे से, मानता नहीं तो चलते।
एरन जबरदस्ती करके आया है कि मुझे भी चलना है, मैं चलो तुझे भी एक्सपीरियंस दिलाते हैं कैंपिंग का। ऐसा नहीं है, एरन पहले मेरे साथ कैंपिंग कर चुका है, पहले भी एक साल पहले। एरन टॉर्च बैठ लेकर बैठ चुका है और तब तक मैं पॉपकॉर्न बनती रहेगी साइड में और मैं काट लूंगा सब्जी। इसे यहाँ पे रख देते हैं और इसको जला देते हैं। ओहो गैस को क्या हो गया, लाइटर को जलाओ तो जलेगी। अरे माचिस तो है, जल गया। देखो गड़बड़ करता है चूल्हा कभी कभी ना। गाइस गड़बड़ करते हैं चूल्हे जो है ना, इन्हें बहुत सेफ्टी से चलाना पड़ता है क्योंकि गड़बड़ कर देते हैं और इसमें काट के खेल लेता हूँ मैं इसके पैकेट को पॉपकॉर्न के। एरन इतना बैठ के पॉपकॉर्न खाता रहेगा और मैं तब तक डिनर बनाऊंगा। नहीं तो आज मैं डिनर में जो है एक नई डिश बनाने वाला था। आज मैं बनाने वाला था स्प्रिंग रोल, हाँ, लेकिन एरन की फरमाइश थी क्या है, मैं जाऊंगा तो पनीर टिक्का ही खाऊंगा। अगली बार नेक्स्ट टाइम आएंगे ना जब खिलाएंगे, इसको रख के और इसको ढक देते हैं जब तक इसमें से आवाज नहीं आती। इसको ऐसे चलाते रहना। वेजिटेबल काटनी स्टार्ट करता हूँ। रोल एक बार तो घर बनाए नहीं थे हमने, जब तुमने खाए थे भूल गया है। रोटी सी रहे उसको, रोटी के अंदर वो भर दो सारा सा बना चल गया पता। जी भुज्जी टाइप, यस। तो गाइस मैं काट लेता हूँ प्याज के क्यूब निकाल लेता हूँ पहले। टॉर्च मार के रखना एरन है ना, मारूं नहीं इधर मार के रखना, ध्यान रखना कुछ चीज आती है तो है ना, बता देना अगर कुछ भी कुत्ता सा नजर आए इसे, क्योंकि यहाँ कुत्ते का मतलब नहीं है, ध्यान रखना। एरन हमारा बहुत एक्टिव है। देखिए गाइस तैयार हो गई अपनी पॉपकॉर्न, रेडी हो चुकी है। ये देखिए पॉपकॉर्न तो अपनी रेडी हो चुकी है, अब एरन को पहले पॉपकॉर्न खिला देते हैं। ओहो केटल गर्म हो रही है बहुत ज़्यादा। इस पैकेट में बन काफ़ी जाती है। लो एरन पॉपकॉर्न खाओ। देखो गाइस पॉपकॉर्न खाओ आराम से बैठ के है ना। हाँ इसको खोल लो, करो एंजॉय करो और मैं तब तक इनके क्यूब निकाल लेता हूँ प्याज के। एंजॉय कर रहे हैं कैंपिंग को। नमक चाहिए, सही है नमक बढ़िया हो एरन को हमने अंदर बैठा दिया है क्योंकि अंधेरा हो चुका है और यहाँ रिस्क लेने से कोई फायदा है नहीं है। एरन आराम से टेंट में बैठा। एरन आराम से बैठे हो? एरन आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है। अपने टमाटर तो कट चुके हैं, इसके बाद शिमला मिर्च को और काट लेता हूँ। पॉपकॉर्न में मिर्च लग जाएगी, अभी वो भी खाना है। पनीर टिक्का भी खाना है एरन? एरन ने वैसे मन है तो खा ले। वैसे शाम से ना एरन ने फुल एंजॉय कर रखा है, जीरा पी लिया, नमकीन खा ली, जलेबी खा ली, समोसा खा लिया और माजा पी ली। लेट गया वो मस्त अपना, आराम आराम से लेट चुका है टेंट के अंदर। अब एरन के लिए बनने वाला है डिनर। हाँ
शिमला मिर्च सब कुछ कट चुकी है, अब काट लेता हूँ पनीर को। ले तो पनीर खा, लो खाओ पनीर कच्चा। हाँ खा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये कट गया पनीर। ये लो गाइस, पनीर कट चुका है, शिमला मिर्च कट चुकी है, प्याज कट चुकी है, टमाटर कट चुका है, और अब इसमें डालते हैं मसाले। हल्दी पाउडर, और ये गया थोड़ा सा मिर्च पाउडर, ज़्यादा हम डालेंगे नहीं क्योंकि आयरन खाएगा। तू भी खा ले पॉपकॉर्न? नहीं मैं नहीं खा। और ये गया नमक, नमक थोड़ा तेज़ी रखा जाता है। और ये गया गरम मसाला, गरम मसाला बोल दो, यस किचन मसाला बोल दो। एरन भी ध्यान रख रहा है। और ये हम डालेंगे इसमें कौन साज, यानी कॉर्नफ्लोर। ये गया कॉर्नफ्लोर। अरे एरन कह रहा है कि कुछ नजर आ रहा है टेंट में लेटा लेटा ही, कि कुछ दिख रहा है मुझे, तो लाइट मार के देख रहे हैं। इसलिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और सब कुछ मसाले वसाले सब कुछ ऐड कर दिया, दही, और थोड़ा सा बस इसमें ऑयल डाल लेता हूँ, मैरिनेट कर लेता हूँ पनीर टिक्के का। ये देखिए पापा, अभी इतनी जल्दी डाउन नहीं होगी यार। तो फ्रेंड्स अभी हमने पनीर खा लिया है, चाचू ने मुझे दो पीस दिए थे पनीर के, वो मैंने अभी खा लिए हैं। अभी मैं पनीर टिक्का बनने का इंतजार कर रहा हूँ, अभी चाचू उसे बना रहे हैं, बेसब्री से कर रहा है। हैरन पॉपकॉर्न भी खा ली है, पार्टी फुल एंजॉय हो रही है। मैंने जलेबी भी खा ली, समोसा खा लिया, पॉपकॉर्न खा लिया, माजा पी लिया, वो पी लिया, क्या बोलते हैं, जीरा, सब कुछ खा लिया पी लिया, लेकिन अब भी भूख नहीं बुझी। भूख अब भी लग रही है रन को, कह रहा है भूख अब भी नहीं मिटी, सब कुछ खा लिया, जलेबी भी खा ली। और गाइस इतने मच्छर क्यों आ रहे हैं बेटा? मच्छर जंगल है ना, तो मच्छर तो आएंगे, पानी वानी भरा रहता है ना गंदा, तो इस वजह से मच्छर आते हैं। पनीर टिक्का अपना मैरिनेट हो चुका है, इसको रख के छोड़ देता हूँ, और एक बार लाइट मार के देखना भी जरूरी है, वो भी देखेंगे। नहीं बेटा बाहर मत निकलना, नहीं आप अंदर, आप अंदर रहो बेटा, इसीलिए तो आपको अंदर बैठा रखा है सेफ्टी के लिए, अंदर रहो, बाहर नहीं निकलना आपको। ओके। लो तो पनीर टिक्का तो अपना मैरिनेट होके रख दिया। वैसी आवाज है, जंगली जानवर होगी ना, खतरा बहुत ज्यादा है यार, इसीलिए यहाँ लाइट मार के रखना बहुत जरूरी है। अब कोयले को जला लेता हूँ, ये इसको ऐसे ही लगे रहने देता हूँ, इसे निकालते ही नहीं। और आन पता पिछली बार क्या हुआ, जब पांडे जी आए थे ना, तो पांडे जी ने सीख अंदर ही छोड़ दी थी। हाँ वही होता। देखी थी ना वीडियो। हाँ। ये गया अपना कोयला। बहुत कोयला है, कोई दिक्कत नहीं, हम को इधर रखते हैं, और इसको रखता हूँ इधर। और लगा लेता हूँ फ्लेम गन। और हाँ एरन की फेवरेट चीज चकमक पत्थर, एरन जलाता है, लो जलाओ एरन, जलाओ यहीं बैठे बैठे, इसको इसके आगे जला, इसके आगे जला दो, ये एरन का फेवरेट है, इसलिए मैं एरन से जलवाता हूँ, इसके सामने भी जलाऊंगा। ये लो फ्लेम गन एरन का जला दिए, अब मेरे चलाना
कि एरन जो है ना ये शरारती बच्चा है, ये टेंट भी जला सकता है क्योंकि इसे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, नए से नए एक्सपेरिमेंट। कभी इसके एक्सपेरिमेंट में एरन टेंट ही जला दे। कोयला तो अपना सुलग गया है, हाथ धुल लेता हूँ और एक बार लोकेशन को सर्च कर लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद अपना पनीर टिक्का सीख में लगाएंगे और तब इस पर बारबेक्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इधर अपना पनीर टिक्का मैरिनेट करके रख दिया, कितना मस्त लग रहा है ये देखिए। इधर कोयले भी जला दिए हैं, वो देखिए एरन, एरन ये बैठा और एक बार लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि पेड़ों के बीच में है तो देखना पड़ता है कि कोई चीज़ पेड़ पे ना बैठी हो, क्योंकि लेपर्ड हमेशा पेड़ों पे ही बैठ जाता है। और ये देखिए, ये है अपना सेटअप, इधर लाइट लगा रखी है, एक लाइट गाड़ी में लगा रखी है और इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, और बाकी लोकेशन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खूबसूरत तो है ही है लोकेशन, लेकिन उतनी ही ज़्यादा डेंजर भी है। ये देखिए, ये देखिए, बस अब अपना पनीर टिक्का को सीखो में लगाता हूँ और उसके बाद अपना डिनर करके और टेंट में चले जाएंगे या फिर गाड़ी में सोएंगे, वो देखेंगे, क्योंकि गाड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहता तीन बंदों का, तो इसलिए सोच रहे हैं क्यों ना टेंट में ही सोए। और लाइट मार कर देखना यहाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत हम लापरवाही नहीं बरत सकते। हाँ सही कह रहा है ना। और जब पिछली बार पांडे जी आए थे ना, तो लेपर्ड था यहीं से थोड़ी दूर जाके ना पीछे, यहीं से करीबन 50-100 मीटर दूर होगा, तो लेपर्ड था इसी लोकेशन में, हमें दिखा भी था, गुर्रा आ रहा था, हम देख के भाग आए थे, फिर रात को भी आवाज़ आ रही थी टेंट के बाहर भी। एक खतरा नहीं होता जब अगर टेंट में चले जाते हैं ना, और अगर आदमखोर लेपर्ड है तो वो हमला करता है, अगर आदमखोर लेपर्ड नहीं है तो वो गुर्राएगा और निकल जाता है, ऐसे अटैक नहीं करता, तो इसलिए खतरा हमेशा आदमखोर का होता है। बाकी लेपर्ड तो आवाज़ करेगा, गुर्राएगा आपको देख के, वो अपनी अपने होने का हमें एहसास कराता है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, और वो निकल जाता है। तो देखते हैं, इसीलिए अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, लगभग 7:45 हुए हैं, 8 बजने वाले हैं, तो उससे पहले अपना डिनर बना लेते हैं जल्दी। पनीर टिक्का सीखो में ये गई शिमला मिर्च और ये गया पनीर और प्याज। भूख लगन लगी नहीं अभी? बहुत तेज लग रही। अच्छा एक सीख तो लग चुकी है, इसका रख देते हैं। आप लोग बोलते हैं कि ऐसी लोकेशन पर जाते ही कहाँ होगा, इस लेपर्ड हर जगह है, हर जगह, और एडवेंचर भी है ये, इसलिए कि यहाँ ओपन एरिया है, थोड़ा ओपन एरिया में अगर कोई भी चीज़ पास में आ रही है तो जल्दी दिख जाती है। अगर हम घने जंगलों में जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ कोई भी चीज़ पास में आएगी तो दिखेगी नहीं, और बच्चे के साथ में रिस्क होता है, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं तो कैसी जगह पे कैंपिंग कर लेता हूँ, इसलिए। लेकिन यही एडवेंचर है, रिस्क तो हर जगह है, आप घर में बैठे हो वो भी रिस्क है, पता नहीं कब भूकंप आ जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है।
बस लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी और कहीं भी कैसी भी स्थिति में हो। बस पनीर टिक्का तो लगभग सीखों में लग ही चुका है। और एरन सो तो नहीं गए बेटा? एरन शांत होकर लेट गया, मुझे लगता है एरन थक गया क्योंकि एरन ने क्रिकेट भी काफ़ी देर खेला है, बैटिंग की है दबा के। एक टमाटर रह गया, बाकी ये बचा हुआ जो मसाला है वो मैं इसको इसके ऊपर ही लगा दूंगा ताकि इस पे ही अच्छे से रोस्ट हो जाए। बैठ गया बेटा? ठंड लगनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, एरन को ठंड लगने लगी है और अपना पनीर टिक्का रख दिया, बस कोयले को जला देता हूँ। पनीर टिक्का खा लो और फिर तो घुस जाइए बिस्तर में अपने। देखिए गाइस, सामने किस चीज़ की आंखें चमक रही है यहाँ पे, ये देखिए कोई जानवर है, आवाज़ सी आ रही थी इसकी, घड़ घड़ की आवाज़ सी कर रहा है जानवर यहाँ सामने। देखो अभी आवाज़ आ रही है। और इधर अपना पनीर टिक्का कोयले पर रखा है। बाकी एरन एरन ने देखिए चैन बंद कर ली, जब एरन ने आवाज़ सुनी ना तो एरन ने चैन बंद कर ली टेंट की। एरन बहुत चौकस है, एरन को पता है कि खतरा है तो चैन बंद कर लो टेंट की, तो सेफ्टी है। और यही समझदारी है जंगल में, अगर आप जितनी फुर्ती दिखाएंगे चटकी दिखाएंगे ना, इसी को समझदारी कहते हैं। बाकी आगे जाके दिलेरी दिखाना वो कोई अकलबंदी नहीं है। तो अगर आपको कोई आवाज़ आ रही है तो सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ सामने कुछ तो है, ये देखिए फिर आंखें दिख रही है। कोई नहीं गाइस, मैं इस पे हवा मारता हूँ कोयले पे और पनीर टिक्का जल्दी बनाते हैं। पनीर टिक्का रेडी होने वाला है, अब इस पे मैं घी भी लगाऊंगा। और गाइस आप लोगों को बताने की जरूरत तो है नहीं, शुद्ध देसी घी, इसको गर्म कर लेते हैं। बाजार का हम लेके नहीं आते मक्खन। अरान बस थोड़ी देर और, पनीर टिक्का रेडी है, मक्खन घी लगा दिया मैंने इस पर। महक बहुत जोर की आ रही है। महक आ रही ना, ये देखो गाइस कितना मस्त धुआं उठ रहा है, ये पूरा घी का धुआं है जो अभी इस पर मैंने घी लगाया है। बस रेडी होने ही वाला है और दो चार मिनट में, इसको घुमा देता हूँ अच्छे से। पनीर टिक्का अपना रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना मस्त है। ओहो नींबू भाग रहा है, बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है, देखिए कितना मस्त। अरे कोई ना कोई हमें भी खाने के लिए बुला लो। हाँ बेटा मिलेगा, अभी मिलेगा, बुला के आ लो आपको। तो ऐसे ही होगा, आज तो खाना को देना। हाँ तो भूखा ही सोगा यहाँ। भूखा सोएगा? क्या लग होता भूखा? और भूखा ये एक रात में ही एंड ओवर। और गाइस अब इसमें डाल लेता हूँ नींबू। तू खा लिए सारे, जब तू छक जाएगा ना उसके बाद दे दिया मुझे बता। हाँ जितना तुझसे खाया जाएगा उतना खाना, ठीक है? अब मुझे पता है तू कितना खाएगा। कौन? ज्यादा ज्यादा दो पीस तीन पीस। कौन? एरन मलिक। एले हम तो जाने कोई को। नींबू डल चुका है और अब डाल लेता हूँ चाट मसाला।
चाट मसाले भी डल चुका है, और ऊपर से डाल लेते हैं घी। ये देखिए घी तो भरपूर ही डालते हैं गाइस, और इसको अब मिक्स कर लेता हूँ। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मस्त बना है। देखिए मुंह में पानी आ रहा है ना गाइस, yes! आता है मुंह में पानी, yes! इसीलिए तो कह रहा हूँ जल्दी आइए कैंपिंग में। बार बार हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ रहा है आपको कि मुंह में पानी आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप जल्दी कैंपिंग में आओ, साथ में कैंपिंग को एंजॉय करेंगे। और ये देखिए कितना अच्छे से पूरा घी में तरम तर है। थोड़ा सा पहले अलग रख देता हूँ क्योंकि जंगल है, अलग रखना जरूरी है निकाल के, और घी वैसे है तो इसलिए। और साथ में है वही हरी चटनी, ये देखिए धनिया पुदीना और हरी मिर्च और अदरक और लहसुन। अब देखिए करते हैं, पहले देते हैं एरन को, पहले खाएगा एरन। एरन पनीर पनीर लोगे ना बस, आप तो भी प्याज भी लोगे? पनीर एक दो शिमला मिर्च कर दी, लो शिमला मिर्च भी लो और पनीर के पीस लो। हरी चटनी लोगे? हरी चटनी हरी चटनी लो। हाँ लेते हो आप तो, खाते हो हरी चटनी? हाँ लो तो लो एरन बेटा, ठीक है चटनी साइड में हरी, ठीक है ओके चटनी साइड में। हाँ हाँ गरम तो हो रहा है बाबू, आराम से खा ले ठंडा करके, आराम से खाओ ठंडा करके, कोई वो नहीं है, और ले लेना बहुत है अभी अपने पास। चटनी दे दो थोड़ी सी, चटनी लोगे? और ये रही चटनी, इस पे गिर दूं? और गाइस ये रहा अपना अपना डिनर करते हैं। अल्टीमेट है अपना। एरन कैसा लगा बेटा? बढ़िया। मैं इसमें कर लेता हूँ थोड़ी सी अपने लिए चटनी। एरन ने पास कर दिया तो समझो बढ़िया। हाँ एरन ने पास कर दिया तो सबसे ज्यादा कानूनी भी निकल रहा है। हाँ तो समझो बढ़िया है गाय, हर चटनी के साथ तो मजा ही अलग है। डिनर अपना एक नंबर मस्त बना है, पनीर टिक्का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पनीर टिक्का खाना और बनाना भी। फिलहाल डिनर को एंजॉय करते हैं। तो खैर आप किंग हो, बनाने में तो खैर आप किंग हो। एरन बोल रहा है बनाने में तो आप किंग हो। अभी डिनर कर रहे थे हम, लेकिन मुझे इधर की तरफ से आवाज़ सी आई है। ये देखो गाइस किसी चीज़ की आंखें दिख रही है, या जानवर घूम रहे हैं, लेकिन हो लेपर्ड भी सकता है। तो फ्रेंड्स डिनर अपना हो चुका है, अब चलते हैं सीधा टेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स टेंट के अंदर आ चुके हैं, और देखिए बाहर आवाज सुनिए, कितनी जंगली जानवरों की आवाज आ रही है। हैरन आ रही है ना? ये देखो सुनो गाइस, अब ये जंगली जानवरों की आवाजें तो आती रहेगी। फिलहाल हम अपना आराम से सोते हैं, मिलते हैं सुबह। हैरन बोल दो गाइस को गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ भैया एरन आप भी उठ जाओ, पापा को तो उठा रहे हो। आ जाओ बेटा, आ जाओ बाबू, आ जाओ। अब
दिन निकल गया बेटे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और एरन भी जग के आया बेटा, बैठ जाओ बैठे रहो। एरन भी जग चुका है और हम जग चुके हैं। टाइम की बात करें 6 बज गए हैं, अभी सनराइज नहीं हुआ और अच्छे से दिन भी नहीं निकला। एरन हमारे साथ में था इसलिए हमें थोड़ा डर था, अगर एरन साथ में ना होता, बच्चा साथ में ना होता तो डर कम रहता है, लेकिन फिर भी इसको हम बीच में लेके सोए और हम पूरी सेफ्टी से आते हैं। आप लोग कहेंगे कि बच्चे को लेके क्यों जा रहे हो ऐसी लोकेशन पे, तो गाइस हम पूरी सेफ्टी के साथ आए थे, इसीलिए इसको लेके आए थे कि हमें अपने पे भरोसा था कि हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, इसीलिए हम इसको लेके आए थे। नहीं तो इतना हमें ही पता है कि बच्चे को ले जाके ऐसी जगह, ख़तरनाक जगह पर कैंपिंग नहीं करनी चाहिए। हमें पता था कि हम पूरी तैयारी से आए थे, अपने पास कार भी थी और बाकी सब कुछ हथियार वथियार भी थे, डंडा चाकू सब कुछ था अपने पास, तो इसलिए कोई डर इतना नहीं था। टेंट के अंदर थे, कोई भी चीज़ टेंट पे हमला करती है ना ही इतनी जल्दी टेंट फटता है, और पास में अपनी कार भी थी तो इसलिए खतरा नहीं था। अब सुबह हो चुकी है, एरन कुछ ब्रेकफास्ट में चाय वाय कुछ पियोगे? चाय पियोगे? तो गाइस बस एरन के लिए चाय बनाता हूँ, और फ़ोन में बैटरी लो हो चुकी है, बस 2% बैटरी, कभी फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर चाय का सूट हो पाएगा तो वो भी डालूंगा, लेकिन फ़िलहाल वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।